दोबारा मिलेंगे मैडम। हाँ, एक बार जी, फिर बिल्कुल से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज। खाना एंजॉय कीजिए। फूल दे दिए तुमने? ओ, बेहतरीन था। तुम्हें पता तो है मेरा, लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, इस लड़की की नजर हमारे कर्नल पर है। सच कह रहा हूं मैं, मेरी ये बात अपने पास लिख कर रख लो, हो सकता है तुम्हें बाद में काम आए। मुझे हर एक चीज का अच्छे से मालूम है, जानता हूं कि कौन क्या चाहता है। गाड़ी कहां वहां पार्किंग में है, ये रख लो। जवानों, हम तमस्कत से रवाना होंगे और अपने हदफ के इलाके के नजदीक लैंड करेंगे। हमारा मिशन होगा कि दहशतगर्दों को गैरफाल करना है और जरगमालियों को वहां से हर सूरत निकालना है। कोई सवाल है तो पूछे कैप्टन। हाँ कहो गालिब। मुझे नहीं पता कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, मगर आसिया मैडम इस वक्त अपनी जिंदगी से लड़ रही हैं। उनको लेकर सब लोग परेशान हैं इस वक्त, और आपको इस वक्त यहां पर सिर्फ अपने ऑपरेशन की पड़ी हुई है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए कह दिया, माफी चाहता हूं आपसे। सर गालिब ठीक कह रहा है, मेरे ख्याल में गलत है। मेरा मतलब सूरत हाल ठीक नहीं है। वो लड़की वहां अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है और आपको ऑपरेशन पे जाना है, ऐसा नहीं हो सकता सर, ये गलत है। देखें कैप्टन, बार बार कहा है आपसे कि आपकी यहां जरूरत है, आप रुक जाइए। मैं अपनी हद नहीं पार करना चाहता था इसलिए खामोश रहा, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कैप्टन, हम जानते हैं कि जिसे आप चाहते हैं वो हॉस्पिटल में आपके मुंतजर है, आपको उसके पास होना चाहिए था। आपके अलावा उसके पास और है ही कौन, पता है ना? कोई भी नहीं। और कुछ सलजूक? क्या आपको मेरे कुछ भी कहने से फर्क पड़ेगा कैप्टन? नहीं, बात खत्म। तुम सब मेरे भाई हो, मेरे साथी हो, हर कदम पर हर वक्त साथ होते हैं। हमारी तकदीर एक जैसी है, हमारी जिंदगियां एक सी हैं, एक जैसी परेशानियां हैं, घर वालों की परेशानियां एक जैसी हैं। अब मेरा तुम लोगों से सवाल है कि अगर तुम लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, चले जाते या नहीं? कुछ कहो ना, तुम लोग क्या करते, ऑपरेशन पर जाते? हाँ बेराम, तुम्हारा छोटा सा बच्चा बुखार की हालत में तप रहा था, उस वक्त हेलीकॉप्टर में सवार होकर ऑपरेशन के लिए नहीं गए थे? हाँ मैं जानता हूं कैप्टन, मैं गया था, लेकिन वो। और कौन फरार हुआ था हॉस्पिटल से? फर्स्ट लेफ्टिनेंट कौन फरार हुआ था? और हाँ गालिब, वो तुम ही तो थे ना जो चला आया था डॉक्टर की रिपोर्ट फाड़कर? हाँ तुम ही थे। हाँ एमरे, सलजूक, तोरा, तुम जो मुझे कहे कि अकल से पैदल है, तुम सब में से इतना समझदार आखिर कौन है? बताओ ना कौन है, बताओ, मुझे जानना है। अकल से मुझे पैदल कहने वाला आखिर कौन है, बताओ, मुझे जानना चाहता हूं मैं। मैं क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों है? आप सब लोग कुछ खेल रहे थे ना, और ना ही आप लोग मेरे बिना खेल सकते हैं।
क्या मिस कर दिया मैंने? सही है कैप्टन, चलो चलते हैं मुराद, तैयारी पर चलो। टीम जा चुकी है और हम यहाँ बैठे हुए पागलों की तरह। सर आप अपनी हालत देखें, आप इस कंडीशन में कैसे जा सकते हैं उनके साथ? इलियास, क्या तुम अपने अफसरान से इस तरह बात करते हो? इतने मुंहफट क्यों हो तुम? आई एम सॉरी सर, माफ कर दें, मेरा मतलब था कि इस कंडीशन में कैसे जा सकते थे आप उनके साथ? मैं हॉस्पिटल से नफरत करता हूं। मुझे तो जैसे मोहब्बत है। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा मैंने। मैंने सुना तुमने कुछ कहा है। नहीं सर, मैंने कुछ भी नहीं कह रहा हूं, सुना मैंने। कुछ भी नहीं बोला मैंने। मैंने देखा था तुम मुंह में बड़बड़ा रहे थे कुछ। मेरी हालत देख रहे हो ना, क्यों नहीं गए तुम टीम के साथ? हां सर, अगर मैं हॉस्पिटल से बाहर जा सकता तो जरूर जाता उनके साथ। तुमने अपनी हालत देखी है या मैं बताऊं तुम्हें? फिर इलियास, मामूली से जख्म को तुमने राय का पहाड़ बना के रखा हुआ है, इतना काफी है या और बताऊं? सुनना चाहते हो? कहो, सुनना चाहते हो क्या? आराम से ऑफिसर, आराम से। उम्मीद करती हूँ जल्द बेहतर हो जाए। शुक्रिया मैम। हाँ अब काफी बेहतर हूँ, पूछने का शुक्रिया। मैंने जिंदगी में कभी किसी को बिल्लियों के बारे में ऐसी गुफ्तगू करते नहीं सुना था। वो तो बस एक कहावत है। खैर ये बताएं, कैसे आना हो आपका लेफ्टिनेंट? कमांडर के अहकाम है, उन्होंने कहा है कि हॉस्पिटल में हमारे पर्सनल का ख्याल रखा जाए। तो कैसी तबीयत है, किसी चीज की जरूरत है क्या? हम ठीक है मैम। हम ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या अपने कमरे में नहीं होना चाहिए आपको? इस तरह से यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है आपके लिए। अरे नहीं 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 नहीं, आपको अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। नर्स सुनिएगा, इस पेशेंट को अपने रूम में होना चाहिए ना, तो क्या आप फिर इनको इनके रूम में ले जाएंगे? नहीं लेफ्टिनेंट, मैं बोरियत से मर जाऊंगा वहां पर। मैं ऐसा करती हूँ कि इनके लिए व्हीलचेयर ले आती हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, सुनो तुम। हाँ ठीक है, व्हीलचेयर पर ले जाए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती लेफ्टिनेंट, आपको आराम करना चाहिए। ये कर्नल के बहुत ज्यादा करीब है, इश्क करता है आसिया से, शायद आसिया भी इससे इश्क करती हो, और रेस्टोरेंट की ओनर शायद कर्नल को पसंद करती है, और कर्नल भी शायद उसके लिए कुछ महसूस करता हो। ये कैप्टन की बहन है, ना जाने क्या करती हो। ये एक फीमेल लुटेनेंट है, और ये दोनों मुझे लगता है नए आए हैं टीम में, और दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन के घर अक्सर जाता है, शायद इसका उसकी बहन के साथ कोई चक्कर है। ये सब कुछ बहुत ही अजीब है, बहुत बोरिंग है, शायद बाहर जाना चाहिए मुझे, क्या ख्याल है? पार्टी वार्टी करते हैं। कहाँ भाग रही हो? बैठो यहाँ आराम से। अम्मी, बेटा, बेटा।
क्या हो रहा है ये? क्यों शोर मचाया हुआ है? मेरी बेटी को छोड़ो इसे बशीर। क्या हुआ? तुम एक चिड़िया को पिंजरे में कैद नहीं कर सके? हाँ, इसने मुझ पर अचानक हमला किया, इसे तमीज सिखानी पड़ेगी। तुम तो इसे भी नहीं संभाल सके। भाग आइए तुम्हारे पास से। हाँ। अब और शोर शराबा नहीं, मैं पहले ही इनकी चीखों से तंग आ चुका हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे जरूर सजा मिलेगी। मुंह बंद करो, ले जाओ इसे। मुझे डर है कि अगर कैप्टन ने यही रफ्तार बरकरार रखी, कहीं हम कोई और ही सरहद पार न कर जाएं। उनकी चाल तेज है भाई, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, किसी बात का कोई जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास, जैसे जिंदगी में तुम्हारी कोई मर्जी ही नहीं है। अगर तुम में इतना दम है अमरे, तो खुद जाकर क्यों नहीं पूछते थे कि वो इतना तेज क्यों चलते हैं? मिल जाएगा जवाब तुम्हें। फजूल बातें मत करो, मैं अपना हाल अल्लाह पे छोड़ता हूँ। हाँ भाई, अल्लाह ही रहम करेगा अब तुम पे। हाँ भाई, आमीन सुम आमीन। अच्छा सुनो, ओवन बंद कर दिया था ना तुमने घर से निकलते हुए? कौन सा ओवन? हमारे पास अवन भी क्या है? मतलब तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानता, तुम ही तो लाए थे, तुम्हें याद नहीं क्या? एक बेकार सा लैंप, कुछ पर्दे और एक ओवन भी था उसमें, और बहुत से पैसे भी उड़ा के आए थे तुम उसमें। क्या सच में? सच है ये। तो बताओ, बंद किया था या नहीं? क्या था अवन में? अच्छा, तो तुम मुझसे पूछ रहे हो ये, जैसे तुम तो जानते ही नहीं कुछ। अरे छोड़ दो यार, कोई सुन ना ले। अब चलो खामोशी से आगे। हाँ तुम दोनों कहीं पीछे मत रह जाना, पता चले पहले की तरह ढूंढते रह जाएं तुम्हें। जल्दी चलो, शाबाश, आ जाओ। जी कैप्टन। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, एक ओवन के पीछे पड़ गए हो। घर जाके खुद देख लेना कि ओवन में क्या रखा हुआ है। क्या तुम्हें भी वो जज्बाती लगता है मेरी जान? कभी कभी जब मैं अपने बेटे को सोता हुआ देखती हूँ, तो सोचती हूँ कि मेरा प्यारा बेटा कैसे फरिश्तों की तरह सोता। फिर सोचती हूँ कि क्या ये लड़का जंग के महासों पे लड़ता है, पहाड़ों में लड़ता है? ये तो तुम भी जानती होगी, उसका दिल अलग किस्म का बना है। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं अगर उसकी जगह होती तो इसी वक्त तुमसे शादी कर लेती। तुम जानती हो मेरी बच्ची मेरे बच्चों के जहेज तक तैयार रखे। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है मेरी बच्ची, दोनों एक हो जाओ। तुम दोनों फौरन शादी कर सकते हो बिना वक्त जाया किए। मैं अब अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती हूँ, जानती हो मेरी बच्ची, कागान के साथ तुम्हें खुश देखना चाहती। मेरी बस यही ख्वाहिश है मेरी बच्ची।
एक माँ का अपने बच्चों को हंसता खेलता देखना कोई गुनाह है क्या? आसिया, मेरी बच्ची, अपनी आंखें खोलो बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कागान को क्या जवाब दूंगी? क्या होगा उसका? पहाड़ों से लौट आने के बाद मैं उससे क्या कहूंगी? अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची। दौरान एमरे गालिब जी कैप्टन, ट्रक लेकर आओ लेकिन खामोशी से, वो गांव में जाने ना पाए। जी समझ गया सर, मैं समझ गया कैप्टन। पत्थर हटा के आता हूं। एक तो गया, क्या रिपोर्ट है? इसका तो हो गया काम। सर सब मारे गए हैं। जा रहे हो? नहीं, बांध दो इसके हाथ। मेरा इस सबसे दिल भर गया बशीर, जल्दी करो जो करना है, शोर बंद करो इनका। रोना आ रहा है, रो लो रो लो। अब्दू, इसका सर कलम करो। बेटी, खत्म करो इसे। Thank you.
फायरिंग करना शुरू कर दो सो। जी समझ गया, टीम की तरफ से रابطہ हुआ है सर, फायर खोल दिए गए हैं। ठीक है, सूरत हाल का जायजा लेते रहो और मौका मिलते ही मेरी कमांडर से बात करवाओ। यस सर, मैं करवा देता हूं। क्या हो गया? निशाना देखोगे? हाँ, क्यों नहीं? ऐसे नमूने आज भी पाए जाते हैं। बात तो सही है। रुको, तुरान! बोल्टो पार्टा, शदीद भूख लग रही है, क्या आप लोगों को भी? कमालियों में से एक को हमने खो दिया है, बाकियों को हम बॉर्डर पर लेकर आ रहे हैं। टीम में कोई जानी नुकसान नहीं है। उम्मीद है कि अब आप मुझसे मुलाकात करते रहेंगे और यहाँ आते रहेंगे। जी सुन रहा हूँ, बोलिए। हॉस्पिटल के बारे में इतला देनी थी, अफसोस के साथ खबर अच्छी नहीं है। लड़की ने पिन निकाल दी है। कैप्टन, 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 कैप्टन!